हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सा वन कलर बॉर्डर डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये बॉर्डर डिज़ाइन आप सभी तरीके के वूलन प्रोजेक्ट पे यूज़ कर सकते हैं। आप इस डिज़ाइन को सभी एज ग्रुप पे यूज़ कर सकते हैं। इस डिज़ाइन को आप शॉल, मफलर और कैप के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इस डिज़ाइन से न्यूबॉर्न बेबी का स्वेटर बना सकते हैं। उसके ऊपर ये डिज़ाइन बहुत खूबसूरत बनकर आता है। जेंट्स के हाफ आस्तीन के स्वेटर के लिए ये डिज़ाइन बहुत खूबसूरत है। आप इसे बॉर्डर के लिए और स्वेटर के लिए या कार्डिगन के लिए, सभी के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इस डिज़ाइन को बनाने का तरीका देख लेते हैं। हम राइट साइड पर हैं और फर्स्ट रो है, टू रो का डिज़ाइन है। चार चार के हिसाब से फंदे लिए जाते हैं। फर्स्ट रो बिन रहे हैं, राइट साइड का बिन रहे हैं। इसमें हम पहला फंदा दोनों कॉर्नर पर सीधा ही बिनेंगे। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो हमारा पहला फंदा जाएगा वो सीधा ही जाएगा, दोनों कॉर्नर पर वो सीधा ही आना चाहिए। तो यहाँ पर हमने दो फंदे एक्स्ट्रा लिए हैं, शुरू का और लास्ट का। तो पहला फंदा हम सीधा बिनेंगे। अब हम डिज़ाइन शुरू करेंगे। पहला फंदा हम उल्टा बिनेंगे, ऊन पीछे की तरफ करेंगे। दो फंदे जो हमारे हैं उन फंदों को हम एक साथ सिलाई में लेंगे। जैसा हम सीधा बिनते हैं, हमने एक बार उसे सीधा बिना, फिर हम आगे वाले फंदे में जो पहला फंदा है हमारा आगे वाला, उसको हम फिर से एक बार सीधा बिनेंगे। तो यहाँ पर हमने दो फंदे घटाए और दो फंदे बना लिए। इस तरीके से हमारे दो फंदे हो गए। दोनों फंदों को हम छोड़ देंगे। फिर हम ऊन आगे की तरफ करेंगे और एक फंदा उल्टा बिन देंगे, ऊन पीछे की तरफ करेंगे। दो फंदों को हम एक साथ सिलाई में, बीच में से सिलाई पीछे की तरफ लेते हुए सीधा बिनेंगे। इस तरीके से सीधा बिना, फिर हमने आगे वाला जो हमारा फंदा है उस फंदे को हम एक बार फिर से सीधा बिनेंगे। इस तरीके से हमें सिलाई लेना है, एक ही फंदे में लेना है और उसे सीधा बिन देना है। दोनों फंदों को छोड़ देना है, ऊन अपनी तरफ करना है और एक फंदा उल्टा बिन देना है, ऊन पीछे करना है। दोनों फंदों को एक साथ सिलाई में लेना है, बीच में से सिलाई पीछे की तरफ लेनी है। इस तरीके से फिर हमें उसे सीधा बिनना है। फिर हमने जो पहला फंदा है उस फंदे को हम सीधा बिनेंगे। पीछे वाला फंदा हमें छोड़ देना है, आगे वाले फंदे को हमें सीधा बिन देना है। इस तरीके से फिर हम दोनों फंदे छोड़ देंगे, ऊन अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा उल्टा बिनेंगे। तो ये हमें राइट साइड का जो हमारा फर्स्ट रो है इसी तरीके से पूरा बिना जाएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए। आने वाले वीडियोस में मैं आपके लिए और खूबसूरत डिज़ाइनें लेकर आऊँगी, देखिएगा ज़रूर। दोनों फंदों को हमें एक साथ सिलाई में लेना है, बीच में से सिलाई पीछे की तरफ करना है, सीधा बिन देना है। फिर जो हमारा आगे वाला फंदा है उस फंदे को हमें जैसे हम सीधा बिनते हैं उस तरीके से सीधा बिन देना है। फिर दोनों फंदों को छोड़ देना है, ऊन अपनी तरफ करना है, एक फंदा उल्टा बिनना है। फिर हमें दो फंदों को एक साथ बीच में से सिलाई लेते हुए सीधा बिनना है। फिर जो हमारा आगे वाला फंदा है उसमें से हमें बीच में से सिलाई पीछे करनी है और फिर से उसे सीधा बिन देना है। दोनों फंदों को एक साथ छोड़ देना है, ऊन अपनी तरफ करना है, फिर एक फंदा हमें उल्टा बिन देना है। तो यहाँ पर हम राइट साइड का फर्स्ट रो बिन रहे हैं और ये पूरा रो हमारा ऐसा ही बिना जाएगा। पहले दोनों फंदों को एक साथ सीधा बिनिए, फिर आगे वाले फंदे को एक बार सीधा बिनिए, फिर दोनों फंदों को छोड़ दीजिए। फिर एक फंदा हमारा उल्टा जाएगा, एक फंदा हमारा दो फंदों के बीच में से हम एक साथ बीच में से सिलाई लेंगे, दोनों फंदों को एक साथ सीधा बिन देंगे, फिर आगे वाले फंदे को एक बार सीधा बिन देंगे, दोनों फंदों को छोड़ देंगे। एक फंदा हम उल्टा बिनेंगे, ऊन अपनी तरफ करके ऊन पीछे करेंगे। दोनों फंदों को हम एक साथ सीधा बिनेंगे, फिर एक फंदे को हम आगे की तरफ करके एक बार सीधा बिन देंगे। तो यहाँ पर हम पूरा रो इस तरह से कंप्लीट करेंगे। रॉन्ग साइड पर आ गए हैं हम। रॉन्ग साइड हमारा कैसे बिना जाएगा? पहला फंदा हमारा जो कॉर्नर का था वो सीधा था, अब उसको हम उल्टा बिनेंगे। फिर जो हमारा बीच में उल्टा फंदा चल रहा है उसको हम सीधा बिनेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर जो हमने दो फंदे बनाए थे, दो फंदों में से उसका जो पहला फंदा है उस फंदे को हम सीधा बिनेंगे, ऊन अपनी तरफ करेंगे, और आगे वाला जो फंदा है इसको हम नहीं बिनेंगे, ऐसे ही दूसरी सिलाई पर चढ़ा लेंगे। फिर हम दो फंदे सीधे बिनेंगे, एक जो हमारा उल्टा था और एक जो हमने सीधा बिना था। एक फंदे को हम उतार लेंगे, उसको हमें नहीं बिनना है। फिर हम ऊन आगे की तरफ करेंगे, दो फंदे हम यहाँ पर सीधे बिनेंगे, और जो दो फंदे हैं उसका पहला फंदा हम सीधा बिनेंगे, ऊन अपनी तरफ करेंगे, और उसका एक फंदा हम बिना बिने दूसरे सिलाई पे उतार लेंगे। फिर दो फंदे हम सीधे बिनेंगे, एक फंदा हम नहीं बिनेंगे, ऊन अपनी तरफ करेंगे, ऊन फंदा उतारेंगे, ऊन आगे की तरफ करेंगे, फिर ऊन आगे की तरफ ही रहने देंगे, और दो फंदे हम सीधा बिनेंगे, फिर ऊन अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उतारेंगे, फिर ऊन आगे की तरफ करेंगे
और दो फंदे हम सीधे बिंधेंगे। तो रॉन्ग साइड पे हमें दो फंदे सीधे बिनने हैं, एक जो हमारा उल्टा जो राइट साइड से उल्टा चल रहा था वो, और एक फंदा जो हमारा दो फंदों में का जो पीछे वाला फंदा था उस फंदे को हम सीधा बिनेंगे। तो दो फंदे हम सीधे बिनेंगे और जो हमारा एक फंदा है दो फंदों में से उसको हम नहीं बिनेंगे, उसको हम बिना बिने सिलाई पे उतार लेंगे। दो फंदे हमें सीधे बिनने हैं, एक फंदा हमें बिना बिने सिलाई पे उतार लेना है। तो रॉन्ग साइड का हमारा जो सेकंड रो है इस तरीके से कंप्लीट होगा और इस रो पे हमारी डिज़ाइन भी कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर अपनी रो कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया, ये वाला हमने बनाया है। अब हमें फिर वही करना है, एक फंदा पहला हमें सीधा बिनना है, फिर एक फंदा हमें उल्टा बिनना है, फिर जो हमारे ये दो फंदे हैं इसको बीच में से सिलाई लेके एक साथ सीधा बिनना है, फिर जो हमारा आगे वाला फंदा है इसे हमें सीधा बिनना है, पीछे वाले को नहीं बिनना है, फिर दोनों फंदे छोड़ देने हैं, फिर एक फंदा उल्टा बिनना है, फिर दो फंदों के बीच में से सिलाई लेते हुए दोनों फंदों को एक बार सीधा बिनना है, फिर आगे वाले फंदे को सीधा बिनना है, दोनों फंदे छोड़ देने हैं। रॉन्ग साइड में हमें दो फंदे सीधे बिनने हैं, जो आगे से उल्टा था एक वो, और जो दो फंदों हमारे थे उसमें का जो पहला फंदा है उसको दो फंदे हमें सीधे बिनने हैं, और एक फंदा जो है दो फंदों का जो आगे वाला फंदा है उस फंदे को हमें बिना बिने सिलाई पे उतार लेना है, एक फंदा हमारा उल्टा जाएगा। तो यहाँ पर हमारे इस तरीके से पूरी डिज़ाइन हमारी इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगी। बहुत खूबसूरत, बहुत ईजी डिज़ाइन है। मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कीजिए। इस डिज़ाइन को आप कैप पे भी बना सकते हैं, कैप पे डिज़ाइन बहुत खूबसूरत बनकर आता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।